एक अपराधी भाई के प्रति हमारे कर्तव्य। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जेशु। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज हम संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 15 से 20 पर मनन चिंतन करेंगे। इन वचनों में हमें दो मुख्य बातों पर प्रभु विचार करने के लिए आह्वान करता है। एक, हमारे भाई के प्रति हमारा कर्तव्य, और दूसरा हमारी सामूहिक प्रार्थनाएं। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें अपने अपराधी भाई के प्रति जो हमारे कर्तव्य है उसके बारे में समझाता है। प्रभु यूं कहता है कि यदि हमारा भाई अपराध करे तो सर्वप्रथम हम उससे जाकर बात करें, उसे सुधारने का प्रयास करें, और यदि वह अपने कार्यों को छोड़ देता है, अपने पापों को छोड़ देता है, अपनी बुराइयों को छोड़ देता है, तो आपने उसे बचा लिया है। परंतु अगर हमारा भाई नहीं मानता है तो हमें प्रभु कहता है दो और भाइयों को ले लो ताकि वे आपके साथ गवाह के रूप में उपस्थित हैं, और उस उन भाइयों के साथ उस भाई को समझाओ, उसको मनाओ, उसे उसके कार्यों के बारे में अवगत कराओ जो बुरे हैं। और यदि इन भाइयों के समक्ष भी हमारा भाई जो अपराधी है नहीं समझता है तो उसे कलीसिया के समक्ष लाने के लिए प्रभु कहता है, और कलीसिया उसे समझाए। अगर हमारा भाई कलीसिया की बात भी न माने तो हम उसे नाकेदार या गैर यहूदी के समान समझें। जब हम सारी कोशिशें कर ले, स्वयं करें, भाइयों के साथ करें और कलीसिया के साथ करें, और तब भी हमारा भाई नहीं मानता है तो ही हम उसे गैर यहूदी या नाकेदार समझें। आज इस वचनों के द्वारा हम समझें, इसके द्वारा हम सीखें, इन वचनों को हमारे जीवन में लें। आपके भी बहुत सारे कटु अनुभव होंगे प्यारे भाई बहन, अपने भाइयों के प्रति, अपने बहनों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति जो आपसे निरंतर लड़ते झगड़ते होंगे, आपके साथ गाली गलौज करते होंगे, आपके साथ धोखा करते होंगे, आपका अपमान करते हैं, आपको भला बुरा कहते हैं। क्या हम इस प्रकार प्रभु के इन वचनों के समान प्रयास करते हैं कि हम पहले से ही हमारे भाई को जो हमारे प्रति अपराध करता है गैर यहूदी या नाकेदार समझ लेते हैं, कि हम उसका सुधार करने के लिए आगे आते हैं? प्रभु हमें कहता है कि हम उसे समझाएं, उसे सुधारें। यदि वह सुधर जाए तो आप और हमसे प्रभु कहता है कि आपने अपने भाई को बचा लिया है। कि हम उसे अवसर देते हैं, उसके कार्यों को छोड़ने के लिए उसे अवसर देते हैं, या फिर हम पहले से ही उसे अपराधी समझ लेते हैं? आज के दूसरे भाग में प्रभु हमें सामूहिक प्रार्थना के बारे में बताता है, जिसमें प्रभु कहता है यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगे तो वह तुम्हें मेरे स्वर्गीय पिता से निश्चय ही मिलेगा। प्रभु कहता है कि दो व्यक्ति एक मत होकर मांगे तो निश्चय ही मेरे नाम पर स्वर्गीय पिता तुम्हें प्रदान करेगा। क्या हम जब पवित्र मिसा में आते हैं, जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, तो कई बार कंपटीशन लगता है कि वो प्रार्थना कर रहा है, वो कर रही है, और हम आमीन तक नहीं कहते हैं। सामूहिक प्रार्थना में हमारा एक भाई भले प्रार्थना करे, परंतु हमारी प्रार्थना एक मत होनी चाहिए। उस भाई की स्टाइल को ना देखें, उस भाई के शब्दों को ना देखें, परंतु वो भाई हमारे नाम पर जो भी प्रार्थना करता है, सभी के नाम पर प्रार्थना करता है, हम उसके साथ एक मत रहें। और जब हम एक मत रहेंगे, प्रभु कहता है कि जहाँ पर दो या तीन मेरे नाम पर उपस्थित हैं उनके बीच में मैं निवास करता हूँ। जब हम प्रार्थना के लिए आते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ प्रभु की उपस्थिति है। जब हम प्रार्थना करते हैं एक या दो परिवार में, मम्मी पापा भाई बहन
बेटे बेटियां ईश्वर उसमें विराजमान है, ईश्वर उपस्थित है। आइए प्यारे भाई बहनों, हम एक मत होने के लिए प्रार्थना करें, हम प्रभु की उपस्थिति को समझें और विशेषकर हम पारिवारिक प्रार्थना को ध्यान दें, हम सामूहिक प्रार्थना को ध्यान दें और जब भी ऐसी प्रार्थना होती है हम एक मत रहें, हम अपने ही लिए नहीं परंतु सब जहां पर उपस्थित हैं सभी के साथ एक मत होकर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जो भाई बहन हमारे नज़रों में जो बुरे हैं, जो हमें प्रताड़ित करते हैं, जो हमें परेशान करते हैं, ईश्वर उनको आशीर्वाद दे ताकि वे अपने जीवन को बदल कर सही राह पर आ जाएं। साथ ही ईश्वर हमारे मन वचन कर्म को एक कर दे, हमें प्रार्थना करने की शक्ति दे और प्रभु की उपस्थिति को हम अनुभव कर सकें ताकि उसके द्वारा हम जो कुछ भी मांगें पिता ईश्वर हमें प्रदान करें। आमीन।